नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मिचिनमय प्रथमे हेडलाइन्स। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नरु परिवार पिछा किलो चाउल खाई जाउछन्ते डीलर सांघातिक अभियोग आणिछि जाजपुर बालीबिली पंचायतरु। घटनारे डीलर ना डीलरक पछरे अछि आउ किए कार्यानुष्ठान हेब ना नाही बड़ प्रश्न। खलिकोट विधायकांक घर उपरकु बोमामार घटना 48 घंटा परे भी काहाकु गिरफ करिनाही पुलिस। 6 जनक अटक रखी पचराउचरा। स्थानीय आईआईसी कथा सुनुनथिबा अभियोग आणिले विधायिका। राज्यरे कमुछि संक्रमण हेले कमुनि मृत्यु संख्या। महामारी नेला पुणि 64 जीवन। 24 घंटे 1096 नुआ पॉजिटिव। खोर्धारु सर्वाधिक आक्रांत चिन्हित। विजिलेंस जेलरे ब्लॉक सहकारी प्रोग्राम अधिकारी 4000 टंका लांच नहीं धरा पड़े अधिकारी सुरेंद्र साहू। केनाल रो माटी काम कराइबा पई नेउथिला टंका। संबलपुर एमसीएल आनंद बिहार रे भयानक अग्निकांड। नियारे पड़ी क्लब हाउस छारखार। शॉर्ट सर्किट जोगु अग्निकांड होइतिबा अनुमान। नियाको आयत कला बुर्ला अग्निशम विभाग। यूपी परे आज मध्यप्रदेश में पीएम जीकेवाई रो हिताधिकारी कथा हे प्रधानमंत्री। उपस्थित रहिबे राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कौनसी भी हिताधिकारी योजनारु वंचित न होबे बोली चली सचेतनता कार्यक्रम। टोकियो रे बढ़ुछि पदक आशा। आज ओलंपिक रे आसपारे एकाधिक मेडल। अदिति अशोक नीरज चोप्रा और बजरंग पुनियांक थारु पदक आशा रखिछि देश। एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला सबुठ निराश होगा पर न्याय प्रधानमंत्री को गुहारी। केन्द्र गृहमंत्री और केन्द्र शिक्षामंत्री लिखित जनइले सौम्यों बापा। 25 दिन पर भी मिललानी न्याय। शेषे चिकित्सा डाक्तरों भयंकर त्रुटि। गोड़ ऑपरेशन आसी रोगी मृत्यु। झारसुगुड़ एक घर डाक्तखाना ना आसला संगीन अभोग। एथर संपूर्ण खबर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नरु परिवार पिछा किलो चाउल खाई जाउछन्ते डीलर सांघातिक अभियोग आसी। जाजपुर जिला बरी ब्लक बालीबिली पंचायत रु डीलर ना डीलर पछरे आउ किए अछि। गरीबों पर राजकोषर टंका खर्च करुछन्ते केन्द्र सरकार। हेले एठी परिवार पिछा किले चाउल हड़प कर दलाल जहार प्रमाण लगी अर्गस हाथ में। घटना सामना को आसवा पर यार तदंत हो कि ये हूँ सबुठ बड़ प्रश्न। संप्रक्त डीलर विरोध में हो कि कार्यानुष्ठान। 25 किलो रे किलो तबे संपर्क रे अधिक सूचना पई हम सहित फोन लाइन रे जुड़ी होइछंती हम प्रतिनिधि सत्य करो। सत्य वास्तविक कि ए अभिजोग रो सत्या सत्य कोन एवं डीलर किए एवं पूरा घटना कोन। देखो तो जाजपुर जिला रो बरी ब्लॉक बालीबिली पंचायत रो जे डीलर अछंती से खोलाखोली भाबे कहउछंती जे 25 किलो चावल रे गोटे किलो कटा काटि के रखिया पई कहिछंती एवं से जो माने अंतर्दय नौछंती से मानको 80 किलो चावल रु से 3 किलो चावल काटिछंती एवं स्पष्ट मध्ये कहिछंती जोटा आपण माने वीडियो रे देखि पारथबे जे गोटे 25 किलो रे केजी एवं क्विंटल रे 4 केजी काटुछंती। आपण माने चिंता करंतु सरकार गरीबक पई चावल दउथला बेले डीलर माने केजी केजी काटि के नबा पई को कोउ हिसाब रे काटुछंती ए प्रश्न आमे जदियो डीलर के संगे जोगाजोग करने चेष्टा करूँ किंतु जेहेतु देह असुस्थ अच्छी से कथापी ठीक मन कले ना तेणु आम वीडियो को मध्य बरी वीडियो शिवानंद स्वाई की मध्य पचारू से स्पष्ट कही जदि ये घटना घटी थाए आम निश्चित भाव कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ किंतु बड़ दुखर कथा हूँ बरी अंचल चाउल को लेकिन पूरा बरी ब्लक ये जो चाउल डीलर मैंने चाउल दौर ये संपूर्ण मान सब डीलर मैंने ये कार्यक्रम करे ओजन में ठकुची तो डिजिटल मेसीन लगे कि से बहुत अभोग आसुच्चे डिजिटल मेसीन लगे कि ओजन करके आनी सारापर बाहर ओजन करे ओजन करजन 50 केजी निश्चित भाव 4-5 किलो कमुची ये भाव में गोटे बरी अंचल गोटे बड़ धरण दुर्नीति चली जो दुर्नीति केवे तार समाधान हम ये
लोक मान गोटे बड़ प्रश्न अच्छे तेज सत्य डिलर मान कि प्रतिक्रिया रखुं कि एथिपाय आमे डीलर का संगे जदियो जोगाजोग करिथिलु किंतु डीलर माने डीलर तांकर जे संपूर्ण जे अछंती बालीबिल डीलर से असुस्थ अछंती से कोविड रे थिले बुली कहिछंती तांकर मतामत रखिछंती जे मु कोविड रे थिली मु असुस्थ अछि तणु मु एबे कथा हाबा पई ठीक मने करू नाही तणु आमे तांकर संगे कथा हेइ पारिनो ए बाबत रे जे हिताधिकारी माने अभिजोग करिछंती एवं वीडियो निश्चित भाव हिताधिकारी आउ कौन कहते खास करी ये गोटे मासर घटना ना पूर्वर मध्य डीलर काम करिछंती ये घटना बहुत दिन धर की चली सहित आउ हिताधिकारी माने अभिजोग करुछंती जे जो जगार दिया जाउछ पंचायत रु दूर जगार दिया जाउछ लोक माने साधारण लोक माने स्त्री लोकटे विधवा मा टे वयस्क लोकटे से पचास किलो चालीस किलो दि मास तीन मास रे जेतबे एका सारे चावल मिलुची पचास साठ किलो चावल को टेकी के आनी बात आपखरे कष्टकर होची जो थी पाई से गोटे गाड़ी व्यवहार निश्चित भाव रे सत्य बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर तमाम सूचना पाई ती हमर डीलर रे चावल जो मिलुची हमर राशन कार्ड चावल जो मिलुची तो हम को जो चावल मिलुची से हम जो डीलर से कोचेन 25 केजी रे केजी चावल काटिबे 25 केजी रे केजी चावल काटछन प्लस साइज रे टंका रे नेका काटुछन क्विंटाल आमर चारि मासर चावल मिलुची लिली चावल दि मास आउ होला खार चावल दि मास तो सी चारि मासर चावल दौरान 25 केजी रे केजी काटला बेलू आम समस्त प्राय क्विंटाल चावल केजी चावल काटुचन तो चारि केजी क्विंटाल चारि केजी चावल काटुचन तो ताते पैसा टंका लेखा नौ आम सरकार अनुसार एति निवेदन कि जो गरीब लोक जो अछंती ताकू ठीक न्याय मिलू आ ताकू ठीक चावल मिलू कोन तांगा ना कोन से डीलर कर डीलर को नाम होची देवपति पंचायत पंचायत बालीबिल एबे आमे सरकार पाखरे ई दाबी रखिबु कि जदा गोटे केजी रेखा जो चावल काटिया पई कुआ जाउछि आरो उचित तदंत करा जाउ एवं गरीब लोक को ता नार्ज्य दाबी मिलु जो दिन से पाइबार हकदार से ता पाउ तापरे द्वितीय कथा होछि एठु बहुत लोक अछन जो माने विधवा महिला अछंती कि घरे जार लेडीज अछंती पुरुष लोक नांदी से माने जाई पलीपुर पंचायत पाखरु आनछंती आमर बालीबिल ग्राम पंचायत रो जो मिड पोजिशन बालीबिल ग्राम रो अछि हमर तारिणी छक सेठ गोटे गोदाम घर अछि जोटा गोदाम घर या केवल पूर्व डीलर भी सी डिस्ट्रब्यूट करते सब स्त्री लोक मैंने जाए ट्रली कि कांधे में बोक नहीं आसुँच अलीपुर पंचायत सीमार जदि से आसिक ग्राम पंचायत जी आम तारिणी मंदिर पाखे गोदाम घर दि जाए पुराणा पंचायत अफिस् पाखे सब लोग सुविधा घर को नहीं पारे शासक दलर विधायिका कथा शुणुना स्थानीय आईआईसी एभली अभियोग आनी खलिकोट विधायिका सूर्यमणि बैद्य गत पांच तारीख संध्या समय किसी दुर्वृत्त विधायिका घरे भंगारुचा कर लंकाकांड घटाइवा सह विधायिका निज गाँ केशवपुर घर को सीरीज बोमा मार करते ए दुईज गुरुतर आहत होता बेले से ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल चिकित्सा करे घटना को 48 घंटा बीती जाते सुधा स्थानीय आईआईसी किसी पदक्षेप नौन अभोग कर विधायिका दीर्घ दिन केशवपुर में विधायिका समर्थक और विरोधी मध्य छकापंछा लगी रही विगत दिन में उभय पक्ष संघर्ष घटी बहु लोक आहत होगा ए संपर्क में माली मकदमा चालू रही गत चार दिन ते उभय पक्ष गंडगोल घटी खलिकोट थाना रे मामला रुजु होता बेले किसी पदक्षेप निया विधायिका घर ठार मात्र 2 किलोमीटर दूर से खलिकोट थाना रे थिबा बेले एपर्यंत आईएसी को देखा नाही बोली अभियोग करिछंती विधायिका सेपटे बोमामार घटना रे पुलिस 6 जन को अटक रखी पचराउचरा करथिबा सूचना मिलिछि ताक देखिए खलिगोट गले खलिगोट फेरेदेला ब्रह्मपुर मेडिकल दुईज जाक पड़ते आज्ञा तापर का हाड़िया हाँ पशिले पशिक घर भंगारुजा करके बाड़े पिटिकी पकईला घरदार छाड़ी कड़े पड़े गंडगोल कम है एमएलओ कहीं है बोली तो ये माडगोल हो ये 2 वर्ष हो गला माडगोल हो रे हाँ थाना जना है थाना बाबू किसी बुझुने पटिया नाच खाऊ पटिया कथ कौन आज्ञा ताके निजे निजे कली काड़ आम ना ढीरे दूसरी एमएलओ पार्टी की खाली एमएल पार्टी का सब कौच बोली जुड़े सीटे कहते पुलिस मान दी कौन ये सब जयंत बद्य भीम बद्य आउ राम बद्य दिज जन जुगुर गाँ टा को धसीदे खाईदे पुछीदे आमर मो स्वामी जयराम बद्य तीन टा सार से स्कूल रु आसिले आसला मुझे खाया को बाड़ी देखा बड़े देखिए ठिया सारे
ଠିଆ ହେଇଛି ସାର୍, ସେପଟରୁ ସବୁ 20-30 ହବ ଖଣ୍ଡା କାତି ବମ୍ ଠେଙ୍ଗା ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆସିକି ମାନେ ଏଇଠୁ ରହିକି ଆଟାକ୍ କଲେ ଏଇନି, ପୁରା ଏଇନି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ହାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଗ୍ରିଲ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଗ୍ରିଲ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିଲେନି ସାର୍, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିଲେନି ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧାର କରି ବାଗିଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ବାଗିଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ ସାର୍ ମୁଁ ଘର କବାଟ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ମାନେ ବାରି କବାଟ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆମେ 5-6 ଜଣ ପରିବାର ଘର ଭିତରେ ଥରୁଛୁ, ମୋ ଝିଅଟା ଥରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଏପଟରେ ସବୁ ଡେଇଁ ଗଲେ, ଏପଟେ ଡେଇଁ ଯାଇକି କାହାରକୁ ବୋମିଂ କଲେ, ଆଉ ଘର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୋମିଂ କଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିସ୍ମୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୟ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? ଏଚ୍ଆର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯେଉଁ ବିଧାୟିକାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ରହିଛି କେଶପୁର, ନୂଆ କେଶପୁର ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ସେଠି 2 ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଧାୟିକାଙ୍କର ସପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଡ଼ି ଲଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ 5 ତାରିଖ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ସପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଦୀର୍ଘଦିନ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ନଥିଲା, 3 ଦିନ ଧରି ଏବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବିଧାୟକ ଏଥିନେଇ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଘରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଆକ୍ରମଣକୁ 2 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା, ସେ ଏନେଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟ ଆଇଏସି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଗଲେ ଘଟଣା 2 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ତା ଯେଉଁ ଖଲିକୋଟ ଆଇସିଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାୟିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଧାୟିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ପୁରିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଡିପି ଆସିଲେ, ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲା, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଇଆଇସିଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଧାୟିକା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ, କେମିତି କଥା ଶୁଣାଯାଉଥିବ, ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ଯେଉଁ ଖଲିକୋଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଖଲିକୋଟ ଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ରହିଛି ସମର୍ଥକମାନେ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସମର୍ଥକ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଧାୟିକା ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ବିଧାୟିକା କାହିଁକି ହେଲେ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ MLA ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟିକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସାହି ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ରଖି ଏଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଆମେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ପରୋପକାର ନେଇଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ସେ ଗାଁରେ ବୋମାମାଡ଼ ହେଲା, ବୋମାମାଡ଼ରୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଲା, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କନ୍ଦଳ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ିର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ବୋଲି କହୁଥିଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଜାଣିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆଇସି ୟାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଇଆଇସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ରହିଛି ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧର ଲମ୍ବା ତାଲିକା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି 2 ଥାନାରେ ଥିବା କେସ୍ ନମ୍ବର ଓ ଦଫା ଉପରେ। ବରଗାଁ ଥାନାରେ 2012 ମାମଲା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଫୈଜଲ ହୋସେନଙ୍କ ନାଁରେ। ସେହିପରି 2014 ଫୈଜଲଙ୍କ ନାଁରେ 5 ଦଫାରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 2021 କୁତ୍ରା ଥାନାରେ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଫୈଜଲ ହୋସେନଙ୍କ ନାଁରେ। ଦଫାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ନେତା କମ୍ ଓ ସାମାଜିକ କାମରେ ବେଶୀ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି ଫୈଜଲ। ତଥାପି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ଡକାୟତ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି PMJAY-ର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ନଜର ପକାଇବା ତା ଉପରେ।
परिवार में और कोई है जो कमाते हैं या आप अकेले हैं कमाते हैं? जी नहीं सर, मेरा एक छोटा बच्चा पेट्रोल पंप पे काम करता है। पेट्रोल पंप पे काम करता है जी। तो बच्चे की पढ़ाई क्या करवाई? सर वो तो 10वीं है, बाकी अभी छोटे वाले ने 12th पास करी है, अब उसको कहीं कॉलेज में एडमिशन दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, आपने बताया कि आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो कोरोना के समय में जरा काम पे काफी प्रभाव पड़ा होगा, तो परिवार का काम तो कैसे चला? सर परिवार का काम समझ लो, जो हमारी 2 टाइम की रोजी रोटी यानी खाने पीने की व्यवस्था थी, वो तो जो नियमित राशन मिलता था वो, और आपके द्वारा जो निःशुल्क राशन दिया गया, उससे दोनों टाइम की खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी सर। और राजेंद्र जी, आपको किसी और योजना का कोई लाभ मिला है क्या? जी हाँ सर, मिला है मुझे। प्रधानमंत्री जनधन खाते में पिछले कोरोना टाइम में 500 रुपये 2 बार आए थे, और मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोन लिया था ऑटो रिक्शा के लिए, और वो लोन मैंने कोरोना के पहले चुकता भी कर दिया सर। तो अभी कोई कर्ज नहीं है? जी नहीं सर, अभी मैं कर्ज मुक्त हूँ। चलिए ये बहुत अच्छा हो गया कि इस संकट के काल में भी कोई कर्ज का बोझ नया आप पर नहीं आया, और सरकार की भी ये कोशिश रही। राजेंद्र जी, मैं हमेशा ही विकास के लिए डबल इंजन की सरकारों की बात करता हूँ जी। आपने खुद ही बताया कि राज्य सरकार की योजना में आपको ऑटो खरीदने में मदद हुई है जी। हाँ, इसके अलावा जब लॉकडाउन में ऑटो पर ब्रेक लगा दी तो केंद्र सरकार ने जनधन खाते में सीधे पैसे डालकर और मुफ्त राशन से आपके साथ इस संकट की घड़ी में खड़े रह करके जो भी मदद कर सकते करने का प्रयास किया जी। हमारी सरकारों की कोशिश यही है कि नागरिकों के जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आए जी। अगर विपत्ति आ भी जाती है तो हम मिलकर नागरिकों को पूरी मदद करें और आपदा के खिलाफ हम सब लड़ें, और आपदा में से देश को भी बाहर निकाले, हर परिवार को बाहर निकाले। राजेंद्र जी, आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं, और मैं जरूर चाहूंगा कि अब आपके बेटे ने 12वीं कर ली है, उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और वो बहुत प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम चलेंगे होशंगाबाद, जहां पर श्रीमती माया उइके जी मौजूद हैं। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माया जी नमस्ते। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत नमस्ते सर जी आपको। जय जोहार जी सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप तो स्वयं मजदूरी भी करती हैं और पूरे परिवार को चलाती हैं। हाँ सर जी। तो अभी इस मुसीबत के कालखंड में कुछ दिक्कत भी आती होगी? दिक्कत आई ना सर जी। माया जी बताइए कुछ जी। सर मैं छोटी सी लेडीज सामान की दुकान है सर जी मेरी, वो चलाती हूँ, और बाहर गांव भी सर सामान बेचती हूँ जाकर। और 5 महीने से जो फ्री राशन मिला है आपके जरिए हमें, उससे बहुत फायदा हुआ सर जी। और कोरोना में सर जी दुकान वकान कुछ चली नहीं हमारी, पर आपने जो गेहूं चावल फ्री दिया सर जी, उसमें हमें बहुत फायदा हुआ, उससे मेरा घर अच्छे से चल पाया सर जी। और बहुत मतलब सर जी कुछ हमें लाभ मिला सर जी उससे। माया जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर जी मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ सर जी, 8वीं पास करा है सर जी मैंने। कितने गांवों में जाती हैं अपना माल बेचने के लिए आप? सर जी मैं जो पास पास हैं वहीं पे जाती हूँ सर जी, जो मतलब हमारे गांव से लगे हुए हैं। तो बस में जाती हैं? नहीं सर जी, बच्चे या पति कोई भी छोड़ जाते हैं सर जी गाड़ी से, तो हम चले जाते हैं और सामान बेचते सर दिन भर, और फिर शाम को वापस आ जाते हैं। क्या क्या बेचते हैं आप? लेडीज का पूरा सामान रखती हूँ सर जी मैं। तो आप बनवाते हैं या बाहर से ला करके बेचते हैं? मैं होशंगाबाद से लाती हूँ सर जी खरीद के, और फिर यहाँ पे बेचती हूँ लाके। माया जी ये बताइए जी सर कि आपके घर में
ये जो प्राथमिक जिसको सुविधाएं कहे जी सर, जो बिजली है, पानी है, घर अगर पक्का हो, ऐसा कुछ है कि बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है? नहीं अंधेरे सर जी, में जीना पड़ रहा है? नहीं सर जी, लाइट रहती है, लाइट भी नहीं जाती सर जी, पानी भी है, हेड पंप लगे हैं सर, सरकारी बगल में ही है सर, कोई परेशानी नहीं है सर कुछ चीज की। हाँ। पानी बिजली सब है सर बराबर। बच्चों को पढ़ाते हो माया जी? बच्चे में दो हैं सर, पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, नाम लिखा है सर दोनों का। तो पढ़ाने का मन है? पढ़ाते हैं ना सर उनको। नहीं आगे भी पढ़ाओगी कि फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर उनको भी सब कपड़े बेचने के लिए भेज दोगी? नहीं सर, उनको तो पढ़ाएंगे सर, आपकी कृपा रहेगी तो सर आगे बड़े आदमी बनेंगे पढ़ के लिख के। देखिए पढ़ाइए बच्चे हमारे, गरीबी कभी अगर मेहनत करते हैं तो विकास में आगे नहीं आती है। आपने देखा होगा अभी टोक्यो में जो हमारी बेटियां हॉकी खेल रही थी, कई बेटियां बहुत गरीब परिवार की थी जी सर, लेकिन क्या कमाल कर रही थी, आपने देखा? तो इसलिए अगर बराबर संकल्प लेकर के बच्चों को पढ़ाओगी तो जरूर बच्चे कुछ न कुछ करके दिखाएंगे जी सर। अभी माया जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरी जागरूकता से योजनाओं का लाभ उठाया जी सर। जी। हमारी कोशिश है कि हम देश के हर इलाके में बिजली पहुंचे, गैस पहुंचा सके, और अब तो पानी पहुंचाने के भी बड़ा अभियान उठाया है मैंने जी, जी। और बहनों को बड़ी हद तक गैस की सुविधा भी मिल गई है। हाँ सर, मिली जैसा है मैंने कहा, पाइपलाइन से पानी घर में नल से जल मिले, इसलिए भी काम हो रहा है। जनजातीय इलाके हो या फिर बुंदेलखंड, हर जगह हर तरह की सुविधा हो, यही हमारा प्रयास है। जनजातीय भाइयों बहनों के जीवन में सुगमता हो, उनका सम्मान हो, उनका जंगल जमीन सुरक्षित रहे, यही पिछले 7 साल से हमारा लगातार प्रयास है। और शिवराज जी भी मध्य प्रदेश में लगातार जब से उनको काम करने की सेवा करने का मौका मिला है इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। माया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, जी। जयराम जी सर जी। अब हम चलेंगे सतना जहां श्री दीप कुमार कोरी जी मौजूद हैं। दीप जी नमस्ते, आपका स्वागत है। जी सर नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। दीप कुमार जी जी जरा अपने विषय में थोड़ा बता दीजिए क्या करते हैं। जी सर मेरा नाम दीप कुमार कोरी है, मैं वार्ड क्रमांक 13 नगर परिषद कोठी जिला सतना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ और मजदूरी भी करता हूँ, उसके साथ ही साथ मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित भी होता हूँ। अच्छा जी सर। अच्छा उसमें क्या क्या आपने प्राप्त किया है? सर मैंने BSc किया है और BEd किया है, और मैंने संविदा शिक्षक पात्रता 2 विज्ञान विषय से भी उत्तीर्ण किया था सर। तो ये आप स्कूल में जाकर के नहीं पढ़े, बाद में सब पढ़ाई की आपने? जी 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 सर। अच्छा चलिए बहुत बड़ा कमाल किया आपने जी। और अभी बच्चों को पढ़ाने के सिवा और क्या क्या काम करते हैं? और सर बच्चों को कोचिंग देता हूं और उसके अलावा जहां भी काम लगा वहां काम करता हूं सर, जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। अच्छा आपको राशन तो मिल रहा है, लेकिन राशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती ना? नहीं सर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। किसी बीच में कोई बिचौलिया आता हो, फिर वो दुकानदार भी आज नहीं कल आना परसों आना, सुबह नहीं आना शाम को आना, ऐसे चक्कर काटने पड़ते हैं क्या? नहीं सर ऐसी तो कोई समस्या नहीं होती है, दुकानदार जी जो हैं समाचार पत्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अच्छा दीपक जी राशन की दुकान पर जी आपको राशन के सिवा भी और भी कोई चीजें सेवाएं उपलब्ध है क्या? जी बिल्कुल सर, 1 किलोग्राम नमक प्राप्त होता है, 1 किलोग्राम शक्कर प्राप्त होती है और 2 लीटर केरोसिन प्राप्त होता है। तो अभी बिजली पहुंची गैस पहुंची फिर भी केरोसिन की जरूरत पड़ती है?
जी सर, कभी कभी विद्युत कट हो जाती है तो आवश्यकता पड़ जाती है सर। अच्छा जी, चलिए दीपक, आपसे बात करके के बहुत अच्छा लगा मुझे, और हमारी सरकार यही प्रयास कर रही है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। आपण सीधासळख देखुले जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हिताधिकारी सहित आलोचना करिसेंती। समय सरछु, बुलेटिन को एठ रखुछु, नमस्कार।